हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम कवर करने जा रहे हैं बीए सेकंड ईयर की जो एजुकेशन है उसकी फर्स्ट चैप्टर की सेकंड आपकी वीडियो है ये, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, इस वजह से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की है और इसमें मैंने आपको पूरा ही क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो इसकी सेकेंड वीडियो है, सेकेंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी हमने पहले में तीन इसके भाग पढ़े थे, बाकी तीन भाग हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें चौथा भाग आता है हमारा, तीन भाग हमने पढ़ चुके हैं उसमें। तो चौथा आता है हमारा इसमें अभिवर्तिति। अभिवर्ति मतलब होता है, देखिए, मन और स्थिति, इन दोनों वर्ड को हम कुछ भी कह सकते हैं, मन कह सकते हैं या फिर हमारी मन की स्थिति। तो रॉबर्ट बैरन के अनुसार जो है मन स्थिति जो है व्यक्तियों वस्तुओं धर्म समूह इत्यादि में आस्था की भावनाओं की व्यवस्था के रूप में करती है। ये रॉबर्ट बैरन का एक वो है, उनके विचार हैं, ठीक है, कि मन की स्थिति जो है इन सब चीज़ों के द्वारा काम करती है। और बच्चों की विभिन्न मन स्थितियाँ, ये अब इनकी परी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ पे वो कर देते हैं, अंडा कह देते हैं। बच्चों की विभिन्न मन स्थितियाँ जैसे कि खाने के प्रति, यानी खाने के उनके बीच में उनकी मन क्या स्थिति मन रहता है उनका, कि मतलब शाकाहारी खाना खाए या फिर मांसाहारी खाना खाए, इन दोनों में से कौन सा खाना हमें खाना चाहिए, शाकाहारी मांसाहारी भोजन करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। और लिंग के प्रति स्थिति, लिंग से मतलब है जेंडर, ठीक है, उनके बीच में स्थिति कैसी हो, और सफाई के प्रति स्थिति, और फैशन के प्रति, और समूह का हिस्सा बनाने के लिए, इन सब के उसमें जो है अपनी मन की दिशा को वो दर्शाते हैं। और जैसे स्वयं में परिवर्तन करना, खुद के अंदर परिवर्तन करना और आदि इन्हीं सब चीज़ों को समझना, ये जो है विद्यालयों के अंतर्गत भी आता है। यदि बच्चों को एक व्यक्ति के रूप में समझना है तो हमारे लिए आवश्यक होता है, अगर बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में समझना है तो हमारे लिए आवश्यक होता है, यानी हमारे लिए जरूरी है, होता कर दीजिए, ठीक है, आवश्यक है कि हम उनकी मन स्थिति के बारे में जाने, उनकी जो मन की स्थिति है या फिर मन के बारे में जाने कि वो क्या सोचते हैं, या फिर उनके मन का चिंतन करें, ठीक है, उनके मन के ऊपर सोच विचार करें और जाने उन चीज़ों के बारे में, ताकि बच्चे का जो व्यक्तित्व है उसको ठीक तरीके से समझा जा सके, बच्चे का बिहेवियर, उसका व्यक्तित्व, उसको ठीक प्रकार से समझा जा सके। अभिव्यक्तियाँ क्या होती हैं? तो देखिए, किसी वस्तु के प्रति विश्वास, ठीक है, वैसे मन की स्थिति ही इसकी सीधी सीधी शॉर्ट फॉर्म है। किसी वस्तु के प्रति विश्वास भाव या फिर व्यवहार शामिल होते हैं। अस्थाई मान स्थितियाँ मान्य सॉरी मन अस्थाई मन स्थितियाँ तथा साथ तथा एक बार ही घटित होने वाले व्यवहार को अभिव्यक्ति नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आपके साथ कोई एक चीज हो गई और आप उसको सोच के खुश होते हैं, तो उसको हम एक ही चीज़ को डेफिनेशन नहीं दे सकते इसकी। मन की स्थितियाँ यानी कि कभी ख़त्म ही नहीं होती, ऐसा है, ये बार बार घटित होने वाले व्यवहार को एक बार घटित होने वाले व्यवहार को जो है अभिव्यक्ति नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति जो है हमारे विचार हैं, हमारे भाव हैं और हमारी क्रियाएँ हैं, जो हम काम करते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि विचार ही तो हैं हम, जो हम मन में अंदर सोचते हैं, हमारे विचार ही तो हैं वो सब चीज़ें, भाव यानी भावना वगैरह, ठीक है। अभिव्यक्ति के निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि पहला है इसमें आपका परिवार, दूसरा है संदर्भ, तीसरा है संचार माध्यम का संपर्क, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, संपर्क सही कर लीजिएगा आप इसको। परिवार में क्या होता है कि देखिए, माता पिता जिस तरह बच्चे से प्रभावित करते हैं, माता पिता मतलब अपने बच्चों को प्रभावित करते हैं जिस तरीके से, वैसे ही बच्चे उनके अनुसार ही ढल जाते हैं, उनकी स्थिति के निर्मित होते हैं, उनके अनुसार ही बनते हैं बच्चे। बच्चे अपने माता पिता से प्रथम जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले जो है वो अपने माता पिता से ही जानकारी को प्राप्त करता है, यानी कि अपने घर के वातावरण से वो जानकारी को प्राप्त करता है। और किशोर बच्चे जो होते हैं, किशोर बच्चे परिवार में बड़ों को देखकर बहुत सी बातें सीखते हैं। यहाँ पर ढा हो गए, डो कर लेगा, ठीक है, डो कर लीजिएगा। बड़ों को देखकर बहुत सी बातें सीखते हैं बच्चे। अपने माता पिता द्वारा दी गई श्रेणियों के आधार पर दूसरे बच्चों को अच्छा या बुरे की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि बच्चे कहते हैं ना कि उसके साथ मत खेलियो, वो गंदा लड़का है,
उसके साथ खेल लेकर वो अच्छा लड़का है, तो इसी हिसाब से बच्चे उनको रखते हैं। परिवार बच्चों के लिए सूचना का प्राथमिक सोर्स होता है, ठीक है। दूसरा आता है संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है रिफरेंस, संदर्भ समूह यानी कि रिफरेंस समूह। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं उन पर कई स्रोत के अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि काफ़ी सारे सोर्स आते हैं उस चीज़ के जिस चीज़ के उनके माइंड के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वह अनेक लोगों और वस्तुओं के बारे में विचार बनाते हैं, वो लोगों के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, विचार बनाते हैं, और यह समूह बच्चों के लिए संदर्भ समूह निर्मित करता है। इसी समूह को ही हम जो है संदर्भ समूह कहते हैं, यानी कि दूसरे के प्रति सोचना या विचार करना, ठीक है, या किसी वस्तु के बारे में सोचना विचार करना। बच्चे इन समूह में बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे व्यवसाय यानी कामकाज, सामाजिक एवं धार्मिक समूह, राष्ट्रीय नेता इत्यादि के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में वो उसमें सीखते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा संचार माध्यमों का संपर्क। आधुनिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि ये जो है दुनिया भर के बारे में जानकारी पाने का एक माध्यम बन चुका है, संचार माध्यम, ठीक है। जैसे कि देखे टीवी पर विज्ञापन बताते हैं, एड बताते हैं, और बच्चे उनसे काफ़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो टीवी पर विज्ञापन बताते हैं कि हमें कौन कौन सा उत्पादन खरीदना चाहिए, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और बच्चे जो है उनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उन पर विश्वास कर लेते हैं, उन चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। इसके अंदर यही आता है संचार माध्यमों का संपर्क में। पांचवा पॉइंट आता है हमारा अभिरुचि। अभिरुचि से मतलब वही है रुचि, कि हमारी रुचि किस चीज़ के अंदर है, या फिर हम उसे शौक भी कह सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट, कि हमारा इंटरेस्ट किन चीज़ों के अंदर होता है। कई बार क्या होता है कि अभिरुचि को लोग जो है मनोरंजन मान लेते हैं, कि जो हम मनोरंजन कर रहे हैं वही अभिरुचि है, वही हमारी रुचि है, पर ऐसा नहीं होता। यह जरूरी नहीं है कि जिस वस्तु में हम रुचि ले रहे हैं वह मनोरंजन ही हो, है ना। जैसे यदि हम किसी बीमार की सेवा में रुचि ले रहे हैं, जैसे किसी बीमार आदमी की सेवा में हम रुचि तो ले रहे हैं, पर उससे हमारा मनोरंजन नहीं होता, क्योंकि इसमें हम बोर हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके की चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। और अभिरुचि के चार प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपके, चौथे में पॉइंट नहीं लगा, ठीक है। अभिरुचि के जो है चार प्रकार होते हैं। पहला है मतलब शिक्षकों द्वारा पूछे जाने पर यदि कोई बालक बताता है, कोई भी क्वेश्चन शिक्षक पूछता है, या फिर कोई भी शिक्षक ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछता है कोई भी व्यक्ति, और बालक उसका जवाब दे पाता है, तो उसकी रुचि उस गणित के विषय इतिहास में उससे पता चल सकता है। यानी कि जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, आप ज्योग्राफी का नहीं बता पा रहे, हिस्ट्री का बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं, तो इससे जो है आपकी अभिरुचि जो है वो इतिहास में है, आपकी रुचि इतिहास में, इससे पता चलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका प्रकट अभिरुचि। तो प्रकट अभिरुचि का तात्पर्य है ऐसी अभिरुचि से है जिसकी अभिव्यक्त कार्य क्रिया से होती है, कार्य की क्रिया से होती है, किसी काम के करने की क्रिया को दर्शाती है उससे होती है, ठीक है। इसको हम प्रकट अभिरुचि कहते हैं, प्रकट होती है जो चीज़। तीसरा है हमारी परिरक्षित अभिरुचि। परिरक्षित अभिरुचि का तात्पर्य ऐसी सूची से है जिसकी जानकारी व्यक्ति की उपलब्धियों के आधार पर होती है, यानी कि उसकी उपलब्धियाँ, ठीक है, उपलब्धियों के आधार पर होती हैं। किसी बालक का सबसे अधिक अंत इतिहास में है, तो इसका अर्थ यह हुआ, यहाँ पे अंत नहीं होगा, रुचि होगा, है ना, सबसे अधिक रुचि इतिहास में है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी अभिरुचि इतिहास में है। या फिर किसी के सबसे ज्यादा नंबर इतिहास में आते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी इतिहास में ज्यादा रुचि है। और ऐसी अभिरुचि जिनकी जानकारी मानक खोज के आधार पर होती है उसे खोज संबंधी अभिरुचि कहते हैं, ठीक है। खोज संबंधी अभिरुचि भी एक हमने इसके अंदर पढ़ लिया है, चौथा, यानी कि अभिरुचि विकास के कारक क्या हैं। बस थोड़ी सी वीडियो बची है हमारी, छठा बस आने ही वाला है, छोटा सा ये छठा, ठीक है। अभिरुचि विकास के कारक, तो देखिए अभिरुचि जो है वो जन्मजात नहीं होती है ऐसा कहा जाता है, बल्कि वातावरण के संपर्क से हमें मिलती है कि हमारी किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में नहीं है। वैसे परफेक्ट बात है, हमें बचपन में थोड़ी पता होता है कि हमारी रुचि किस चीज़ के अंदर है, किस चीज़ के अंदर नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी रुचि सामने आती है, पर लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक जो है उनका मानना है
कि अभिरुचि जो है जन्मजात भी होती है, यानी कि जन्म से मिली हुई भी होती है। इसके अनुसार बचपन में व्यक्ति की अभिरुचि या होती है, अभिरुचियां, ठीक है, इसको या इसको में जोड़ दीजिए, अभिरुचियां होती है और बाद में वातावरण के प्रभाव के अनुकूल विभिन्न रूप से विकसित होने लगती है, यानी कि बचपन से भी होती हैं और वातावरण के हिसाब से भी, जैसे हम जैसे बड़े होते हैं वैसी हमारी अभिरुचियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगती है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ बालकों की रुचि बदलती जाती है। जैसे कि हम बचपन में खिलौने वगैरह के ऊपर ज़्यादा रुचि लेते हैं और बड़े होकर हम खिलौने नहीं खेलते, हम मोबाइल में रुचि लेने लग जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से ही शारीरिक रचना तथा स्वभाव के कारण भी दोनों की रुचि में अंतर पैदा हो जाता है। यह किन दोनों की बात हो रही है, लड़के व लड़की के बीच, लड़का व लड़की के बीच। लड़कों की रुचि जो है शारीरिक कार्यों में अधिक होती है, जबकि लड़कियों की रुचि अंतर्वासी कार्यों में होती है। अंतर्वासी कार्य मतलब वो होते हैं जो उनके अंदर से पनपते हैं या फिर जो शारीरिक श्रम में कम करना पड़ता हो, ऐसे कार्यों में लड़कियों की रुचि ज्यादा होती है। दोनों ही खेल खेलते हैं, लड़का भी लड़की, पर दोनों के खेल के प्रति रुचि रखते हैं, दोनों खेल के प्रति रुचि रखते हैं, परंतु दोनों के खेल के बीच में अंतर होता है। जैसा कि लड़कियां भागदौड़ का खेल कम करती हैं, लड़कियां फुटबॉल वगैरह कम खेलना पसंद करती हैं, लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं रस्सा कूदना वगैरह, इस टाइप के खेल लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं, और लूडो खेलना, बैठे बिठाए गेम भी कुछ हद तक कह सकते हैं, कैरम वगैरह भी, ठीक है। और बुद्धि जो है, अभिरुचि विकास पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अभिरुचि इसे बुद्धि काट दीजिए, अभिरुचि विकास पर बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है, और तीव्र गति से बालकों की रुचि जो है जटिल कार्यों में होती है। जो बंदे, जो भी बालक या बच्चे होते हैं जो चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कठिन कार्यों को कर सकते हैं, तो वो उनमें रुचि लेते हैं ज़्यादा कठिन चीज़ों में। लेकिन जो कम बुद्धि के बालक होते हैं उनकी अभिरुचि जो है साधारण एवं सरल कार्यों में अधिक होती है, जो इजीली हो सकते हैं, ठीक है। एक आता है लास्ट बुद्धि, एक ही पेज का बचाव बस खत्म हो गया, यही है बस, ठीक है। तो बुद्धि से वही है जो हमारी बुद्धि हमारी है, ठीक है, उसी बुद्धि का यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया गया है, उसको ही आपको परिभाषित करना है, और आप इसको अच्छे से परिभाषित बना के भी कर सकते हैं वैसे तो, पर अगर डेफिनेशन मिल जाती तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए, भविष्य को समझने वातावरण के साथ साथ, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे भविष्य नहीं है, यहाँ पे है जटिल समस्या, ठीक है, जटिल समस्या को समझने और वातावरण, यहाँ पे कोमा आता है, ठीक है, और वातावरण के साथ प्रभावशाली समान स्थिति बनाने, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे एक बार, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, जटिल स्थिति को समझने और वातावरण के साथ प्रभावशाली समान स्थिति बनाने, यानी कि उसके इक्वल स्थिति बनाने, और अनुभव में सीखने, अनुभवों से सीखना, और अलग अलग ढंग से इसको विचार कर सकने, जो अलग अलग ढंग से सोच सके, इन सब चीज़ों को हम बुद्धि का नाम देते हैं, या फिर अपनी बाधाओं, अपनी परेशानियों पर जब विजय हासिल कर सकता है। और योग्यता में लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, उन्हें हम कम या ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को दो श्रेणी में बांटते हैं, एक तो है कम बुद्धिमान, दूसरा ज़्यादा बुद्धिमान, इन दोनों की श्रेणी में हम बांटते हैं। बुद्धि किसी खास के जिया या क्षेत्र तक सीमित नहीं होती। सॉरी दोस्तों, थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ज़्यादा ही इस वाले इसमें गड़बड़ हो रही है वीडियो में, ठीक है, इसे मतलब यहाँ खास क्रिया है, ठीक है, बुद्धि जो है किसी खास क्रिया की नहीं होती है या फिर किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं होती है, हमारी बुद्धि जो है वो काफ़ी ऊँची होती है इन सब चीज़ों से, ठीक है, और यह प्रत्येक कार्य में होती है, हर कार्य के अंदर जो है आपकी बुद्धि लगती ही लगती है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। यह प्रत्येक कार्य में होती है, चाहे विद्यालय हो, व्यवसाय हो, यानी स्कूल में पढ़ाई हो, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं वो हो, या फिर और कोई सा भी क्षेत्र हो, उस सब चीज़ों में जो है बुद्धि के विभिन्न पक्ष पर बल दिया गया है। बुद्धि शब्द जो है वो केवल दैनिक जीवन में ही अधिक लोकप्रिय नहीं है, यानी कि आज के टाइम में ही जीवन के उसमें ही लोकप्रिय नहीं है, फेमस नहीं है, यह जो है मनोवैज्ञानिक और शिक्षा एवं बाल विकास के क्षेत्र में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है, बुद्धि के ऊपर, और इसे समझने, तर्क करने की योग्यता, इसे समझने की, सोचने की क्षमता, या फिर तर्क करने की योग्यता, और सीखने की
और संबंध को समझने की योग्यता इत्यादि के इसमें हम बुद्धि को परिभाषित करते हैं। एक और थिंकर है मैं चिंतक जिन्होंने अपना विचार दिया है, साइमन। साइमन ने जो है 1905 में बुद्धि को सही निर्णय लेने और अच्छी तरह से समझने, यानी कि आप सही डायरेक्शन में जाएं और अच्छी तरह से समझें उस चीज़ को और उसके ऊपर तर्क करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया साइमन ने। और ये मेरे को भी काफ़ी अच्छी लगी है डेफिनेशन। ठीक है, बुद्धि के चार तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया है। बुद्धि के जो चार तत्व हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पहला है लक्ष्य निर्धारित करना और उसके लिए कार्य करने की योग्यता, यानी लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करना उसके लिए कार्य भी करना है। दूसरा आता है समस्या समाधान के लिए आवश्यक समायोजन स्थापित करने की योग्यता। तो समायोजन जो है इक्वालिटी ही होता है, उसको स्थापित करने की योग्यता। तीसरा है बोध या वास्तव में समस्या क्या है, बोध छोड़िए वास्तव में देखिए, ठीक है, कि वास्तव में समस्या क्या है इसकी समझ करना और उसका हल निकालना, ठीक है, इसकी योग्यता। और विचार क्या है, हम जो सोचते हैं थिंकिंग करते हैं वो विचार क्या है, वह समस्या के सही समाधान करने में समक्ष रहा है या फिर नहीं, इस चीज़ को भी माना गया है। ठीक है, और एक लाइन बची है बस, एक थिंकर और है वेस्लर। ठीक है, इन्होंने 1939 में एक परिभाषा दी है, ठीक है, उन्होंने 1905 में दी और इन्होंने 1939 में 1939 में वेस्लर ने अपनी परिभाषा दी। इन्होंने परिभाषा जो इनकी परिभाषा जो है काफ़ी प्रचलित हुई, यानी फेमस हुई। उन्होंने जो है बुद्धि को व्यक्ति की उद्देश्यों की पूर्ति क्रिया करने, उद्देश्य पूर्ण क्रिया करने, यानी कि जो उनके उद्देश्य हैं उनको पूरे करने की क्रिया और तार्किक चिंतन करने और पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से घुल मिलने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। तो इन्होंने बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो जो है इकाई दो की बालक चिंतन एवं अधिगम जो है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, उसमें दो चैप्टर हैं, आपको जल्दी ही दोनों चैप्टर पर प्राप्त हो जाएंगे। ऊपर आई बटन में आपको दोनों चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।